सो गाइस, अगर आपको भी डाउनलोड करना है न्यू प्ले स्टोर का यूआई तो आप सही वीडियो पे आए हो। आज के इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप न्यू प्ले स्टोर का यूआई कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। सो हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, सो अगर मैं आपको न्यू प्ले स्टोर का यूआई दिखाऊँ तो ऐसा टाइप का दिख जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको जाना है कि आप प्ले स्टोर को इस प्ले स्टोर को कैसे आप इंस्टॉल करोगे, तो अब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे जो टाइम स्टैम्प को दे दिया है, अब उधर जब भी आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस टाइम स्टैम्प पे जहाँ पे मैंने सिखाया है कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस न्यू यूआई का। तो आपको ये ऐसा वाइट कलर का न्यू यूआई देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि पहले मतलब बहुत बहुत सालों से हम लोग जो है प्ले स्टोर को वही ही ग्रीन कलर पे दिखते थे और अभी जो है आपको नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है। ओके, अगर मैं आपको माई एप्स एंड गेम्स पे दिखाऊँ तो आपको ये ऐसा ही नॉर्मल सा दिख जाता जो पहले आपको दिखता था। और जो कैटेगरीज चेंज हुआ है वो नीचे चेंज हुआ है, तो देख सकते हैं आप, नीचे आपको गेम्स, एप्स, मूवीज, बुक्स दिख जाता है, पहले हुआ करता था ऊपर पे, अब अभी आपको दिख जाता है नीचे पे। ओके, और मैं आपको पुराना यूआई को एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। और पुराना यूआई कुछ ऐसा टाइप का भद्दा सा दिखता था, मतलब अच्छा दिखता था क्योंकि इतना साल से हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, अभी तो बहुत ही भद्दा दिखता है। ओके, अगर मैं आपको न्यू दिखाऊँ और ओल्ड आसपास दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही चेंजेस जो है वो आ गया है। पहले आपको जो गेम्स है, ऐप्स ऊपर दिखता था, अभी जो है आपको नीचे दिखता है। और अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो यही ऊपर आपको दिखता है और ये भी यही ऊपर आपको दिखता है। और चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, हुआ है तो आपका जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है वो चेंज हो गया है और लोगो भी चेंज नहीं हुआ है। और अगर जब भी आप डाउनलोड कर गए वो वाला डाउनलोड सेक्शन भी जो है चेंज हो गया है। सो गाइस, मैं आपको दिखाऊँ कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मली सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा, उधर से आपको ये वाला न्यू गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको नॉर्मली जैसे इंस्टॉल होता है वैसे इंस्टॉल करना है, पर अगर आपको एक पॉपअप दिख जाएगा कि ऐप नॉट इंस्टॉल, अभी आपको जाना है सेटिंग्स पे। उसके बाद आपको जो नॉर्मल जो पहले वाला प्ले स्टोर था उसको आपको ढूंढ के फोर स्टॉप करना है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको डिसेबल कर देना है। ओके, अगर मैं आपको प्ले स्टोर ढूंढ के बताऊँ तो सो गाइस, आप देख सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर है वो ये है और उसके बाद आपको फोर स्टॉप करना है। ओके, फोर स्टॉप करना है, अगर उससे नहीं हो रहा है तो आपको डिसेबल कर देना। जब भी आप डिसेबल और फोर स्टॉप कर दोगे उसके बाद आपको जो न्यू प्ले स्टोर का यूआई है वो आपको दिख जाएगा। अगर मैं आपको प्ले स्टोर दिखाऊँ तो आपको ये वाला जो है प्ले स्टोर वो आपको मिल जाएगा जब भी आप डिसेबल और फोर स्टॉप करोगे इस फ़ोन पे, मतलब आपके फ़ोन पे, और तभी आपको न्यू वाला जो प्ले स्टोर है यूआई उसको आपको